brought to you by अब खाऊं वाई वाई आलु तामा को स्वाद मा स्वाद खोजे जस्तो सुगंध रोजे जस्तो ब्रिज सीमेंट सॉलिड टेक्नोलॉजी ले बन्छ सॉलिड सीमेंट हिमालय टेलीविजन देख रहे सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। मैं विमल झाजरिया वास्तुविद हूँ, आज की कुछ पंक्तियां रख रहा हूँ। मैं सैनिक संगीन संभाले दूर दूर तक दृष्टि डाले, हर एक पांव की आहट लेते, सीमाओं पर पहरा देते, खड़ा खड़ा मैं सोच रहा हूँ, धरती पर सीमाएं क्यों हैं, अनचाही रेखाएं क्यों हैं, क्या मानव को मानव का विश्वास नहीं है, सीमाओं के इधर उधर क्या इंसानों का वास नहीं है। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज आपने कने एक अया का अतिथि है। नेपाल के संदर्भ में अगर बात करा तो नेपाल में अब राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़िया की सक्रिय उपस्थिति धीरे धीरे नजर आने लग गई है। इनको एक पहलो उदाहरण कहूँ, उन्होंने उदाहरण विगत में भी होयड़ा है, लेकिन अभी की जो नेपाल की राजनीतिक परिस्थिति है वो में एक उदाहरणीय कार्य करया है बीरगंज का मेयर बनकर विजय सरावगी। और इना का पिता जो चिरंजीलाल सरावगी जी भी राजनीति में रहेड़ा और मेयर के रूप में बीरगंज में लड़ाई भी करेड़ा, लेकिन उन समय में जीत को नहीं पाया। उना को वो सपनों आज अब विजय सरावगी मेयर के रूप में पूरा करने की तैयारी में। आज विजय जी से बीरगंज में मेयर के रूप में आने के बाद की विविध स्थितियां और विविध राजनीतिक विषय लगायत अन्य विषय में बातचीत कराँगा। आओ कार्यक्रम में उना को स्वागत करा, कार्यक्रम में थारा स्वागत। धन्यवाद राम जी। जी हाँ, मैं अभी कहो थारा बाबू जी को एक सपनों भी थो और राजनीतिक संस्कार से आएड़ा थे, जीतने के बाद आज के दिन एज ए मेयर जो थारा बाबू जी को नहीं जीत पाया एक समय में, अब थे क्या महसूस करो और उनाने किए अनुभव है अब थारे बारे में। मैंने क्या लगा कि बाबू जी को सपनों तो मैं पूरा कर ही हूँ और मन लगा मैं बाबू जी ने भी ठा रखे हूँ रहे, मैंने यो कौन लाग रहे विजय सरावगी बैठे हुए, चिरंजीलाल सरावगी बैठे हैं और उना का पद चिन्ह में जो बाज मनोवे जी को जो भी शिक्षा दिया, जो भी आज समाज के लिए वे करया, मैं उन्हें निरंतरता ही देने के लिए आया हूँ। और एक पीढ़ी जरूर चेंज हुई है पर संस्कार चेंज को नहीं हो सका और इस संस्कार ने आगे बढ़ाऊँगा। और मैं जानूँ कि मैं मारवाड़ी लोगों का नाम इतना ऊँचो करूँगा उरा कि आने वाला टाइम में हर मारवाड़ी ने हर राजनीतिक पार्टी बोलेगी आकर कि भाई तू मेरे लिए चुनाव लड़ ले। यस, मैंने स्थापित करना है और मारवाड़िया ने जो कंट्रीब्यूशन जो करी है इस देश के लिए, जो योगदान करे है, मैं मारवाड़िया को योगदान ने मैं उच्च स्तर में पहुँचाना चाहूँ। व्यापार और राजनीति सागर चालने की स्थिति है कि बिल्कुल चाल से वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, बा अपनी रोजी रोटी के लिए करना आपने ना। और राजनीति बोली रही जगह की डेवलपमेंट, जो स्थानीय निकाय का जो अधिकार दिया गया है, अब अपना जो संतति जो अपना आने वाली संतति या जो भी संतति है अपनी, बस संतति को भविष्य सुनिश्चित करने के लिए करना है। अपने उद्देश्य पवित्र है, आपा बैठा जाकर जो आज की राजनीति जो कर रही है बा कौन करा, आपा जो समाज के लिए आज तक करते आया उन आप 100 गुना करके काम न करेंगा। जिस दिन मैं समाज के साथ जुड़कर काम करूँगा, जो आज तक मैं जुड़ रखे हूँ, मैंने कौन लगा कि मैंने राजनीति में जाकर तकलीफ हो सी। अगर मेरा उद्देश्य गलत हुआ है, जो आज के दिन में राजनीति का लोग मायना जो सेट कर दिया, जो स्थापित कर दिया, जिसके कारण से लोग आज के दिन में राजनीति ने थोड़ा गलत नज़र से देखा है, उन्हें भी सुधारने को काम मेरा है और मैं करूँगा मन लगा। कुर्सी से बाहर रह करके बात करना बहुत आसान, कुर्सी में पहुंचने के बाद उस कुर्सी में क्या तकलीफें हैं समझना बहुत मुश्किल। देखिए आपने दोनों चीज़ देख ली, अब क्या करेंगे? देखिए जिस दिन हम चुनाव लड़े, हमको लगता चुनाव जितना हमारे लिए जितना आसान था उतना ही ज़्यादा चैलेंज अब हमको मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे साथी लोग इसमें पराजित भी हुए, उनका भी मन जितना है, बहुत से लोग की आकांक्षा और अपेक्षा जो होगी साथ में पूर्ण नहीं कर पाऊँ, वो भी मुझे चैलेंज फेस करना है। लेकिन मुझे क्या मालूम है, हमको जो पिताजी लोग से सीख मिला है, एक ही क्या सीख मिला है कि जब वृक्ष फल से लदता है, जो अब मैं लद चुका हूँ, तो झुकता है,
मैं झुक के भी और नीचे से मैं सारा काम करूंगा, मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना है, मुझे जनता का सेवक और जनता का आदमी बन के काम करना है। सेवक का मतलब समझते हैं आप, हम नहीं चाहते हमको कोई मेयर बोले, हमको ये लोग बोल सकते हैं कि नगर सेवक भी बोल सकते हैं, हम तैयार हूँ सुनने के लिए। क्यों? वही मुझे स्थापित करना है कि मैं एक नगर सेवक के रूप में आया हूँ और मुझे लगता है कि मैं सबका मन जीत सकता हूँ। आज विपक्ष के भी जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे कायल होते जा रहे हैं कि नहीं, ये एक आदमी जो आया है वो बड़ा जबरदस्त है, ये बीरगंज के लिए कुछ करेगा। जनता भी यही बोलती है कुछ करेगा। इवन हमारी जो भी शांतिकार की दीदी जो जीती हैं वो बहुत बड़ी प्रजातंत्र की योद्धा हैं, उनको भी मालूम है कि विजय कुछ करेगा और पूरा उनका सहयोग, उनका टीम का सहयोग, जो विपक्षी पार्टी से आते हुए भी लोग हमको सहयोग कर रहे हैं और करेंगे जैसे मुझे उम्मीद है। दो वक्त की निश्चिंत होकर जो रोटी मिलती थी, अब पब्लिक का सर्वेंट हो जाने के बाद पब्लिक के साथ ही बैठ के खाने की स्थिति आती है कि दो वक्त मिल जाता है? नहीं, ये मैनेजमेंट का बात है भाई साहब। अगर मैं जाके उस जगह पर मैनेजमेंट नहीं कर सका तो फिर मैं फेलियर मेयर कहलाऊंगा। मैं अपना उसी हिसाब से मैनेजमेंट कर रहा हूँ, उसको व्यवस्थित कर रहा हूँ। और ये चुनाव भी मैंने मैनेजमेंट के ही सिद्धांत के ऊपर सारा लड़ा है। पहले साथी लोग कैसे लड़ते थे मुझे मालूम है, पर ये टोटल चुनाव मैनेजमेंट के सिस्टम से लड़ा गया है और लोग कायल हो गए आज के दिन में, वहाँ के नेता लोग भी, कि ऐसे भी चुनाव लड़ा जा सकता है। क्योंकि इस पूरे चुनाव के प्रोसेस के दौरान बीरगंज में 40,000 घर हैं, करीब करीब 34,000 घर में मैं पैदल पहुँचा हूँ, जनता से मिला हूँ, तो मुझे मालूम है कि कैसे लोग से बैलेंस करके चलना, कैसे मिल के चलना है, प्लानिंग कैसे करनी है। तो मैं अपने प्लानिंग के द्वारा अपना मिशन और विज़न पूरा करूँगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। हाँ, इसमें सबका सहयोग जरूर चाहिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो जो मुझसे काम करेंगे, मेरे साथ काम करेंगे, और जो जनता जो मुझसे अपेक्षा रखी हुई है उस जनता का सहयोग चाहिए। क्योंकि सबको मालूम है कि विजय सरावगी को वहाँ से कुछ नहीं चाहिए, विजय सरावगी के पास भगवान की दया से काफ़ी कुछ है, विजय सरावगी कुछ करना है, इसी उद्देश्य से वो आया है। और मुझे कीर्ति चाहिए और अपने आने वाले संतति जो भी बीरगंज में रहने वाली है उन लोगों का भविष्य उनको सुरक्षित करके देना है कि बीरगंज में वो संतति टिक के रहे और बीरगंज का समृद्धि और राष्ट्र का समृद्धि में वो लोग योगदान दें बीरगंज में। लेकिन एक बात, अभी मैं कुछ दिन पहले मैं ही गया था, तो मैंने वहाँ कुछ लोगों से सुना कि विजय सरावगी मेयर बन के आए हुए करीब एक महीना हो गया, फिर भी कोई अनुभूति के लायक कुछ ऐसी चीज़ें अभी तक नहीं करा दिखने को मिली कि अनुभूति हो कि विजय सरावगी आया है। ऐसा है कि अष्टमी के दिन हमने शपथ ही लिया है और अभी मुश्किल से हमें लगता है 20-25 दिन हुए, जिसमें से 12 दिन तो छुट्टी में बीत गए और 10-12 दिन जरूर हम जाके वहाँ बैठे हैं। और अनुभूति के लायक जो वहाँ काम हुआ है, कोई अगर मेरा फेसबुक पेज में जाके देखेंगे तो मालूम होगा कि किस टाइप के काम सब हुए हैं। एक्चुअली हम प्रचार से भी ज़्यादा चाहते हैं कि काम करें और काम करके जब रिजल्ट दे देंगे तब समझ में आएगा। 10-12 दिन कोई बहुत बड़ा पीरियड होता नहीं है, 10-12 दिन तो समझने में लग जाता है। मैं कोई बहुत बड़ा, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मैं आज तक संस्था सब, राजनीतिक संस्था सब चलाए हूँ या जहाँ पर पब्लिक का सर्वेंट बन के कोई काम किया हूँ, लेकिन मैं निश्चित ये करना चाहूँगा कि 100 दिन मैंने टाइम मांगा जनता से, 100 दिन के भीतर जनता का जो सकस है, जो आज तकलीफ है जनता की, जो दैनिक जीवन की जो तकलीफें हैं, उसको मैं खत्म कर दूंगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तब तक के लिए मैं जनता से एक आग्रह क्या करता हूँ, सभी लोग चाहते हैं कि सम्मान करें, मैं चाहता हूँ कि लोग 100 दिन पूरे होने के बाद जब मैं कोई अच्छा काम कर जाऊँ उसके बाद अगर सम्मान करते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। अभी अगर ज़्यादा सम्मान में अगर मेरा समय बीत जाएगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इसी टेलीविजन के माध्यम से मैं जनता को ये कहूँगा कि 100 दिन पहले मुझे काम करने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे काम करने दीजिए और आप लोग का जीवन को नॉर्मल बनाने दीजिए, उसके बाद मुझे जरूर सम्मान कीजिए, मैं तब सम्मान के लायक होऊंगा, ये मेरा उनसे आग्रह है। और इतना जल्दी जो रिजल्ट खोजते मुझे लगता है वो ज़्यादा हड़बड़ी में है और हर जगह जेट से ट्रैवल नहीं किया जा सकता। जो अपनी जगह है, जिसकी जो कल्चर होती है करने की काम, थोड़ा उसको भी सिस्टम में लाना पड़ेगा। पहले के कर्मचारी हैं उनको भी मालूम नहीं था कि हमारा जैसा कोई आदमी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ चेंज करनी है। अभी नेपाल सरकार ने भी अधिकार जो दिया है वो अभी हाथ बांध के दिया है, अभी हम न वहाँ स्टाफ रख सकते हैं न हम वहाँ पर कोई काम अपनी मर्जी से ज़्यादा कर सकते हैं, हर एक चीज़ में भी बंधन है। कहने के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि सारा स्थानीय निकाय को अधिकार दे दिए, पर अधिकार के नाम पर अभी वही पुराना स्टाइल से काम हो रहा है। जिस दिन हमको पूरा अधिकार मिलेगा उस दिन के बाद का आप डेवलपमेंट देखिएगा। जैसे 30 को करीब करीब हमको विषयगत कार्यालय गवर्नमेंट ने बोला कि आपको देंगे, पर वो सब अषाढ़ मसान 74 के देंगे। तो इसका मतलब जब तक मेरे रेंज में या मेरे अधिकार में सारा कार्यविधि नहीं आएगा तब तक जनता जो अपेक्षा किया हुआ है, जो हम चाहते हैं जो जनता को देना, वो शायद हम इतना जल्दी नहीं दे सकेंगे। फिर भी जितना हम सकेंगे आउटपुट 100% की जगह 500% देने का जरूर कोशिश करेंगे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जी दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न
पांच पांडव को धर्म पत्नी को नाम के हो? ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी तारा, ऑप्शन सी द्रौपदी र ऑप्शन डी भृगुटी। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र अप्सन ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 3-8-4-8-4 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार कलर्स मोबाइल P20 प्रत्येक दुई हप्तामा एकजनालाई, सिजीको स्ट्यान्ड फ्यान प्रत्येक महिना एकजनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो ब्रिज सिमेन्ट सोलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सोलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप लोग देख रहे हो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव और आप बातचीत कर रहे हैं बीरगंज का मेयर विजय सरावगी जी से। आओ इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ाऊँ। आपने मेयर के रूप में चुनाव जब लड़ रहे थे तो आपने जैसे कहा कि 34,000 घर हमने घूम के देखा, अगर हाथ में गिननी हो तो क्या खास समस्या बीरगंज में आपने क्या देखी थी? देखिए बहुत दैनिक जीवन की समस्या है उनकी। सबसे बड़ा समस्या तो देखा खाने पानी का ही समस्या। हर आदमी को खाने पानी के लिए सकस हो रखा था वहाँ पर। उनके बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो जाके वहीं पर दिन भर पड़े रहते हैं, कोई उनका माई बाप नहीं देखने के लिए। वो बच्चे लोग धीरे धीरे क्या अपराधीकरण की तरफ जा रहे हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं हो रहा, रोजगार नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का समस्या देखा गया वहाँ पर। और जो दबा हुआ कुचला हुआ समाज है, वो दबा हुआ कुचला हुआ समाज का डेवलपमेंट साफ रुक गया और उसके साथ साथ होने वाला जो विकास था वो नहीं हुआ। 2046 साल में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, मधेश की जनता भी उस आंदोलन ने पूर्ण रूप से सपोर्ट करी, आंदोलन सफल भी हुआ। लेकिन उसके बाद आज 28 बरस बीत गए, मधेश के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन दिखा हमको साफ वहाँ पर, लोग के सामने ऐसा मतलब दुविधा हमको कर दिया। वो लोग ने बोला क्यों वोट दें, हमको किसी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं देना। जिस दिन जनता नो वोट बोल दे उस दिन यहाँ का राजनीतिक सिस्टम ही फेलियर हो गया बोल के हमको लगता है। हमको बड़ा चिंता हुआ कि इनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, विश्वास में लिया जाए। तो मैंने उनको बोला कि अभी तक जो पार्टी लोग ने यहाँ राज किया उन पार्टी लोग ने नहीं किया, लेकिन हम लोग मधेश के सवाल पर आए, मधेश के विकास के सवाल में आए, मधेश के साथ जो विभेद हुआ है उसके लिए और मधेश का विकास परिवर्तन और आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग विश्वास करके हम लोग को एक बार वोट दीजिए। उस तरीके से उन लोग का मतलब मन को बढ़ाया गया, उनका करुणा उनका वेदना उनका जो छटपटी हमने देखा है उसके द्वारा हमको बहुत सारे लेसन्स और बहुत सारा सीखने को मिला कि उनका वास्तव में दोहन हुआ है। खाली उन्हीं का नहीं पूरा मधेश का दोहन हुआ है। जो हमारी राष्ट्र की जो पार्टियां जो अभी तक काम करी, जो प्रजातांत्रिक पार्टियां थी वो कोई भी हो, उन्होंने जिस तरीके से बीरगंज को डेवलप करना चाहिए, जैसे आज देखिए भाई साहब कि बीरगंज से नेपाल राष्ट्र का 70% कार्गो मूवमेंट होता है और मैक्सिमम राजस्व भी बीरगंज ही उठा के दे रहा है। 54 साल में जो रोड बना था बीरगंज में उसके बाद आज तक उस रोड का रिपेयर मेंटेनेंस भी नेपाल सरकार ने नहीं किया। सामान सारा लेके आया, टोटल बीरगंज का रोड को यूज किया, जितना दोहन करना था किया, पर आज तक लगाना ही नहीं किया लोगों ने। सारा पैसा कहाँ गया? वहां से पैसा उठता है 1%, आधा परसेंट तो पैसा बीरगंज के विकास के लिए दे सकते थे। आज बीरगंज में क्या बनाया नेपाल सरकार ने? तो एक ड्राईपोर्ट बनाया, एक ICP बन रहा है, बाकी टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो टोटल बीरगंज के व्यवसायी लोग ने, बीरगंज की जनता ने बनाया। हम लोग बार बार ये महसूस करते कि इतना राजस्व दिए, इतना सेवा करे पूरा नेपाल की पूरी जनता की, तो हमको क्या मिला? आंदोलन मिला, आंदोलन के नाम पर नफरत मिली हम लोग की, जो सत्ता चला रहे हैं उनकी नफरत मिली कि ये लोग तो आंदोलन करते हैं, इनको कोई भी किस्म का डेवलपमेंट नहीं देना चाहिए। ये सारा चीज़ का हम लोग ने आकलन कर लिया है जनता के द्वारा और हम लोग भी देख रहे हैं। अब मैं नेपाल सरकार की जो भी मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं उनको मैं आग्रह करूंगा, जितना दोहन आप लोग ने किया बीरगंज का या मधेश का या जितना आपने आज तक जो डेवलपमेंट रोका है वहां का, उसका क्षतिपूर्ति देने का टाइम आ गया है। मैक्सिमम पैसा आप लोग दीजिए वहां पर कि उसके द्वारा जो बीरगंज का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा सके। 70% अभी ग्रामीण क्षेत्र है, उस 70% ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करके कनेक्ट करके महानगर पालिका सेवा और सुविधा उनको कैसे दिया जा सके, उस जनता को एक अनुभव कराया जाए कि देश में सरकार भी है जो मधेश को भी देखेगी और जनता को देखेगी। ये हमारा अभी मधेश की जनता के जुड़ाव के कारण से कुछ सीखने को उनको मिला है। तो लेकिन एक चीज़ है ना, जो चीज़ जितनी आप बता रहे हैं दोहन हुआ ये हुआ, तो वहाँ की जनता भी तो नहीं जागी ना? अगर जाग जाती तो ऐसा थोड़ी हो जाता। नहीं देखिए इसमें जनता की बहुत बड़ी भूल भी है। जनता वहाँ क्या समझ के चली आज तक? 5 साल में चुनाव होगा, 5 साल में नेताजी लोग आएंगे, उसी समय जो जो विकास लेना है उसके घर से ले लेंगे या वो जहाँ से ला के दे। कोई कल करवा लिया, कोई रोड बनवा लिया, कोई माटी भरवा लिया, कोई अपना बच्चा लोग के लिए कुछ पढ़ाई उड़ाई चाहिए तो उसका स्कॉलरशिप करवा लिया। तो जनता भी क्या करी, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में चली गई और 5 साल तक वो भी चुप हो गई। तो मैं बार बार जागृत करता हूँ जाके जनता को, जब आपने जनप्रतिनिधि हम लोग को चुना है तो आपका कर्तव्य और अधिकार उत्तरदायित्व भी है कि आप हमको
रिंग कीजिए, आपको नॉक कीजिए, नॉक करते हम जाके आपका काम करें। अगर आप पांच साल तक भूल जाएंगे, फिर पांच साल में जब नेता आएगा तब बात करेंगे, तो आपका कभी भी विकास नहीं होगा। उसमें दोषी आप भी हैं। ये बात जब मैं जनता को बोलता तो जनता बोली है कि हाँ, इसमें हम लोग दोषी हैं और इस चीज का दोष हम लोग को लेना पड़ेगा खुद को। और ये नेता लोग भी दोषी हैं जो 28 बरस तक जनता विश्वास करके जब उनको चुनी थी, उस समय नेता लोग भी जाके कभी भी क्या डेवलपमेंट चाहिए कभी भी लोग ध्यान नहीं दिए बीरगंज के लिए। 62-63 और 63-64 दो साल तक मैं बीरगंज उद्योगवाणी संघ का अध्यक्ष था। उस जमाने से लेकर आज तक मैं नेता लोगों को अनुरोध करता आया कि बीरगंज का डेवलपमेंट किया जाए, बीरगंज को लार्ज बीरगंज कैसे बनाया जाए, कैसे यहाँ पर लोग टिके, बीरगंज का समृद्धि और कैसे बढ़े। और बीरगंज ही ऐसा जगह जो जनता को सबसे सस्ता सामान उत्पादन करके भी दे सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है, क्योंकि बीरगंज देश का मुख्य नाका और बीच में पड़ता है। हर तरीके से नेता लोगों को नॉक किया गया, पर कभी भी उन लोग अपने खाली जो कार्यकर्ता पालना, अपना ठेकेदार पालना और साथ ही साथ में उपभोक्ता समिति के नाम पर जो उन्होंने लूटतंत्र वहां मचाया, उसके कारण बीरगंज का डेवलपमेंट कुछ नहीं हो पाया। जो 100 रुपया बीरगंज के लिए खर्च करने के लिए आता था, वो 30-40 रुपया से बेसी लगाने नहीं होता था, बाकी सब पैसा गलत तरीके से बढ़ता था। आज भी बीरगंज चल के दुनिया की अगर फाइल खोली जावे तो बहुत सारे लोग को पनिशमेंट मिल सकती है, लेकिन हमको उसमें नहीं लगना है। हम बहुत पॉजिटिव आदमी हैं। हम पहला सबसे बड़ा काम करेंगे, पुराने झंझट में पड़ेंगे नहीं। हाँ, कोई चैलेंज करने आएगा तो पुराने झंझट में भी जाएंगे, चैलेंज नहीं किया तो हम खाली विकास में केंद्रित करेंगे। अब जो नया साधन स्रोत मिलेगा, 100 रुपया को 150 रुपया बना के कैसे खर्च करना, हम वो बुद्धि में लगेंगे। तो आपने जो कहा ना कि 5 साल में जो नेता जनता के घर में जाता था या उस समय में वो लोग उससे जो भी मांगना था मांग लेते थे, हमने ये भी सुना या अभी जो चुनाव हुआ इसमें भी तो नेता सभी आप लगाए सभी नेता घर घर से भंडार खोल के चले थे। नहीं, भंडार तो नहीं खोलना पड़ा भाई साहब, लेकिन उसमें क्या हुआ कि मेरा जिंदगी बीता है समाज सेवा में। साल का कुछ ना कुछ हम खर्च करते ही हैं, बराबर करते हैं, तो मेरा रिकॉर्ड ही है, सब जानते हैं बीरगंज में। बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, हेल्थ सेक्टर, पुलिस का सेक्टर, हर जगह मैंने काम किया और बहुत अच्छा लगा नहीं किया मैंने। मैं क्या करता था कि जनता को ये जो पैसा बांटने का जो प्रवृत्ति आजकल हो गया है वो करने से तो अच्छा है उसके घर में जो साधन चाहिए वो दे दिया जाए, पर चुनावी आचार संहिता का भी ख्याल रखना पड़ता था। तो चुनावी आचार संहिता से पहले हमने भी वहाँ पर किसी के घर में कल लगवा दिया, तो वो तो CSR है, वो CSR करने का हम लोग धर्म में करते भी हम लोग रात दिन, तो वो हम किए, इसमें मुझे छुपाना कुछ नहीं है। पर जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग गई उसके बाद से हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके कारण चुनाव का कोई भी हमने रूल्स रेगुलेशन को तोड़े। बीरगंज में जो चुनाव हुआ और हमने यहाँ बैठ के जो देखा, आपको हराने की भी पूरी पूरी कोशिश चल रही थी अंत तक, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा आत्मविश्वास बहुत बड़ा था और जो जनता के साथ मैंने जो होमवर्क किया ना घर घर जाके, वो बहुत बड़ा होमवर्क था मेरा। मैं जनता का जो कनेक्शन में जुड़ा, हमको पूर्ण रूप से विश्वास था। मैं तो 10,000 वोट से जीतता भाई साहब, पर कुछ चलखेल हुआ, कुछ विदेशी एजेंसीज भी आके वहाँ चलखेल करी, कुछ हमारे जो साथी लोग थे जो लड़ रहे थे उन लोगों ने भी कुछ चलखेल किया। मुझे उससे डर नहीं लगा क्योंकि मुझे विश्वास अंतर्गत भी कि मैं जीतूंगा। क्यों विश्वास था कि मेरे पास हर वार्ड का हिसाब किताब था कि मुझे कहाँ से कितना वोट आने वाला है। और जिस लास्ट आवर में आके जो चलखेल हुआ उसके बाद ये भी मुझे मालूम था कि मेरा वोट कहाँ का कटेगा, फिर भी मेरे पास मार्जिन जो था करीब 3,000 वोट का था, तो मैं समझ रहा था कि 2,000 और 3,000 के बीच में मैं जीतूंगा और परिणाम वही आया, 2196 वोट से मैं जीता। तो मुझे वो बहुत बड़ा मैटर नहीं था मेरे लिए। लेकिन मैंने ये बात भी सुनी कि बीरगंज में मारवाड़ियों का गढ़ है, फिर भी मारवाड़ियों का वोट पूरा आपके पास नहीं है। देखिए, मैं मारवाड़ी समुदाय को दोष नहीं दूंगा। मारवाड़ी समुदाय शुरू से एक न्यायप्रिय समुदाय है, समाजसेवी समुदाय है। वो हरदम जो सत्ता में रहते उसे डर के रहता है कि कहीं इनके कोप के भाजन नहीं बन जाए, क्योंकि ऐसी विगत में बहुत सारी कहानियां हुई है। जो पुरानी पार्टियां हैं, विशेषकर सबसे पुरानी पार्टी ने वहां पर कुछ मारवाड़ी साथी लोग को उनको हेल्प नहीं करने के नाम पर बहुत किस्म की प्रताड़ना दी थी। उनके पास राज्य सत्ता थी, राज्य सत्ता के कुछ निकाय को यूज करके, उनको दुरुपयोग करके उनके ऊपर विभिन्न किस्म के छापा वगैरह इन्होंने मरवाया। और अभी भी चुनाव के दौरान उन पार्टियों के कुछ साथी लोग जो हम लोग के समुदाय से भी जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं, दोनों लोगों ने क्या किया, वहाँ के व्यवसायी साथी लोगों को डराया, धमकाया कि अगर आप लोग मेन स्ट्रीम की पार्टी को अगर वोट नहीं करते तो कल हमारी देश में सत्ता रहेगी, हम आप लोगों को तकलीफ दे सकते हैं, आप लोग तकलीफ में पड़ सकते हैं, इस तरीके की बातें बुला बोल के काफ़ी उन लोगों को डराया गया। उस डर के मारे भी बेचारे उन लोगों ने क्या किया कि वोट को डाइवर्ट किए, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं कभी भी शहर के वोट के ऊपर वर्क नहीं किया ज़्यादा। मैं जब भी गांव के वोट पर वर्क किया, 3 महीने मैं सिर्फ 70% का जो मेरा फोकस था उस पर मैंने केंद्रित करके रखा अपने आप को, वही 70% के ही मार्जिन वोट से मैं आगे निकला, नहीं तो शायद मेरा दूसरा रिजल्ट होता। ज़्यादातर नगर पालिकाओं में ये देखा गया है चुनाव होके जीत के आते ही जो टैक्सेज है उनको बढ़ाने की तरफ में दिमाग ज़्यादा लगा,
आपकी तरफ आपका क्या हाल खबर है? देखिए, हमारे पास तो टैक्स घटाने का दबाव है, पर टैक्स वैज्ञानिक करेंगे हम। अभी जो टैक्स है उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे हम सर्विस किसको देते हैं, हमको ये देखना पड़ा कि फलाना आदमी हमसे 100 रुपये का सर्विस लेता है कि 500 का लेता है। अभी जो टैक्स का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप कम सर्विस भी लेते हैं तो आप उतना ही टैक्स दे रहे हैं, और आप ज़्यादा सर्विस ले रहे हैं तो उतना ही टैक्स दे रहे हैं। तो मेरा बोलने का इसमें अर्थ ये है कि जो जितना उपभोग करेगा उसको टैक्स उतना ही देना है। उस सारा टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग का काम हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम कुछ एक्सपर्ट्स लोग हायर कर रहे हैं टैक्स के, और कुछ विगत का जो अनुभव, क्योंकि मैं एक सेवाग्राही के रूप में भी नगर पालिका का हूँ, तो मुझे भी अनुभव है उद्योग वाणिज्य संघ के समय से अभी तक का कि हम कहाँ गलती हुई है नगर पालिका से और कहाँ नहीं हुई है। उन सभी गलतियों को सुधारते हुए टैक्स बढ़ेगा, पर वो उसको दायरा बढ़ा के करना है। बहुत सारे भी टैक्स के दायरे में आए ही नहीं है। जैसे कि अभी हाउस टैक्स का बात करते हैं, रेंट टैक्स का बात करते हैं, बहुत लोग ना हाउस टैक्स दे रहे हैं ना रेंट टैक्स दे रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा कूड़ा करकट फेंकते हैं पर वो सबसे कम टैक्स दे रहे होते हैं। पर अब ज़्यादा कूड़ा करकट फेंकने वाले को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कम वाले को कम देना पड़ेगा। और हमारा एक थ्योरी और भी है कि जिस दिन हम नगर पालिका का, महानगर पालिका का सुविधा हम जब तक किसी के घर पर नहीं पहुंचाते तो मुझे टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। तो मैं जब तक किसी को सुविधा नहीं पहुंचाऊंगा तब तक टैक्स भी नहीं मांगूंगा। इस किस्म का वाचा मैंने कर रखा है, और उसी को वैज्ञानिक ढंग से कैसे करना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक महानगर पालिका को अपना आंतरिक स्रोत से 40 से 50 करोड़ रुपए का जब तक मैं टैक्स नहीं उठा पाऊंगा तो मुझे मेंटेनेंस करने में दिक्कत होगी। तो उस हिसाब से मैं प्लानिंग बना के और आर्थिक क्रियाकलाप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के, बीरगंज को एक गंतव्य का शहर बनाना है मुझे, वो मेरा घोषणा पत्र भी मैंने बोल रखा है। और गंतव्य का शहर का अर्थ होता है कि आर्थिक क्रियाकलाप जब बढ़ेगा तभी गंतव्य का शहर बनेगा। उन आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ा के आने वाले सालों से मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जा सके उसके लिए भी वर्क करूँगा। मैं खुद भी चार्टर अकाउंटेंट्स की पढ़ाई करी हुई हूँ मैं, और पर मेरा लास्ट सेमेस्टर मैंने नहीं दे सका क्योंकि उस समय इंडिया की ट्रीटी खत्म हो गई थी नेपाल के साथ। लेकिन वो सारा अनुभव, वो जितना भी मैंने सरकारी ऑफिस का आज तक ऑडिट किया है, मेरे पास बहुत सारा अनुभव है, उन सभी अनुभव को मैं यूज़ करूँगा और आज का जो आधुनिक जमाना है, जो आज का आधुनिक जो सिस्टम है उसको अडोप्ट करूँगा। क्योंकि मैं पूरा मेरे दिमाग में कि टोटली बीरगंज को स्मार्ट सिटी बनाने का टोटल ऑनलाइन से सिस्टम होगा, स्टाफ का खर्च मैं घटाऊँगा, खर्च घटाना और राजस्व बढ़ाना दोनों मेरा पैरेलली चलेगा सारा स्कीम, और मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊँगा। अभी आप बातचीत कर रहे था विजय सरावगी जी, बीरगंज का मेयर से, और समय अभाव के कारण से इना से हुई बातचीत पूरी को नहीं दिखा पाया। ये बातचीत को बाकी अंश अगले शनिवार दिखावांगा। इतनो कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनके विजेता को नाम और इन हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, भगवान राम कति वर्षको वनवास गएका थिए? अप्सन ए 10, अप्सन बी 13, अप्सन सी 14 र अप्सन डी 12। सही उत्तर हो अप्सन सी 14। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ। 9814454487। बधाई छ। विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्यवानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नु होला। मोबाइल नम्बर 9849482804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, पाँच पाण्डवको धर्मपत्नीको नाम के हो? अप्सन ए सीता, अप्सन बी तारा, अप्सन सी द्रौपदी र अप्सन डी भृगुटी। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र अप्सन ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 38484 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। कलर्स मोबाइल P20 प्रत्येक दुई हप्तामा एकजनालाई, सिजीको स्ट्यान्ड फ्यान प्रत्येक महिना एकजनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आजको लिए यो कार्यक्रम इत्नो ही। अगले शनिबार फिर नई सामग्रियाँका साग उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दियो, और ए कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है, तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 9849823804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो apnonepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो, और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।